नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में, जिसको सैक्रल चक्र भी कहा जाता है। पिछले वीडियो में और उससे एक पहले और भी वीडियो बनाया था, जिसमें हमने सेवन चक्रास के नाम जाने थे, उनका महत्व जाना था। उसके बाद मूलाधार चक्र के बारे में वीडियो है। ये दोनों ही वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और मूलाधार के बाद जो सेकेंड चक्र है, जो दूसरा चक्र है, वो है स्वाधिष्ठान चक्र। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो सैक्रल चक्र इसको बोलते हैं। और इसका जो रंग है, ये नारंगी कलर है, ऑरेंज कलर का ये चक्र माना जाता है। और ये जो कमल का एक फूल की आकृति में सारे चक्र होते हैं, तो ये जो चक्र है 6 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल है। और नाभि, अगर इसका स्थान, क्योंकि अगर आप ध्यान करने जा रहे हैं तो मूलाधार के बारे में जैसे हमने बात करी थी, उसके बाद स्वाधिष्ठान का भी आपको उसकी जगह पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पर है, तभी आप वहाँ पर ध्यान लगा पाओगे। तो नाभि के 2 इंच नीचे इस चक्र का स्थान होता है। और जो शारीरिक अंग हैं इस चक्र से जुड़े हैं, वो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, लीवर होती है, किडनी होती है, पैनक्रियाज होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, रीढ़ की हड्डी का जो मध्य भाग होता है, हिस्सा होता है, ये सारे जो बॉडी पार्ट हैं ये इस चक्र से जुड़े होते हैं। अब अगर ये चक्र आपका जागृत अवस्था में होगा तो उसके आपको फायदे क्या होंगे, क्योंकि अगर आप फायदे जानोगे तभी ही आपको लगेगा कि इस चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, समाज में आप मिलजुल कर रह पाएंगे, लोगों के पास उठना बैठना भी आपको अच्छा लगेगा, आपकी जो बॉडी है उसमें पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, एक क्रिएटिव माइंड आपका बनेगा, जीवन में कुछ कर गुजरने का एक जुनून आपके अंदर होगा, हर दिन आपको एक नया दिन सा लगेगा, आप और उसको उसी नए पन की तरह उसको जिएंगे, लोगों से अलग दिखने की आपके अंदर चाहत रहेगी, और आपको बढ़िया बढ़िया खाने, बढ़िया बढ़िया पहनने वस्त्र में रुचि रहेगी, और अपने इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार काम करने का भी आपको बहुत ज़्यादा मन करेगा। अगर ये जो चक्र है आपका वो नियंत्रित नहीं है, इम्बैलेंस है, तो उस पर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं आपको, उसकी भी बात कर लेते हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं, एलर्जीज हो सकती हैं आपको, नशा करने का मन करेगा, ड्रग्स लेना इत्यादि, निसंतानता हो सकती है, यानी कि आपके, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। अगर हम बात करें इमोशनल, यानी कि मानसिक और भावनात्मक क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो आप चिंता में रहेंगे, तनाव रहेगा, नेगेटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी अंदर से, और ये सारी, और बहुत घृणा होने लगेगी कोई नया, अपने आप से भी, लोगों से भी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो अब हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं वो आगे बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो पहले जानते हैं कि मंत्र क्या है और इस चक्र के देवता कौन है। तो इस चक्र का मंत्र है वम। मैं आपको उच्चारण करके बताती हूँ, मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, उम्मीद करती हूँ फिर भी समझ आएगा। वम किस तरह, जैसे हम ओम का या किसी भी अन्य मंत्रों का जाप करते हैं उसी तरीके से इसका भी करना है। वम इसी प्रकार से करना है, और जैसे जैसे इसका अभ्यास करेंगे, जो ये इसके उच्चारण करने की अवधि है ये बढ़ती जाएगी। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, तो आपको अगर मेरे बोलने से, उच्चारण करने से समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ में आ जाएगा। और ये जो चक्र है, इसका जो पशु है, जो पशु यानी कि प्रतीक पशु मगरमच्छ है, ये सुस्ती और भावहीनता, और दूसरे शब्दों में खतरे का प्रतीक है, जो इस चक्र में छिपे हुए हैं। यानी कि इस चक्र का इम्बैलेंस होना आपके लिए बहुत नुकसान वाली बात हो सकती है। इसका जो चक्र का तत्व है ये जल है, ये भी छुपे हुए खतरे का प्रतीक है, क्योंकि जल जो है वो बहुत लचीला होता है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जब पानी अपने नियंत्रण से बाहर चला जाता है, कंट्रोल से बाहर चला जाता है, ये विनाश पैदा कर देता है। स्वाधिष्ठान चक्र के साथ भी यही है, जब तक ये अवचेतन से चेतना अवस्था की ओर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तब हम पूर्ण तरीके से ना अपना संतुलन खो सकते हैं। यानी कि अगर ये नेगेटिविटी में चला गया चक्र, ये इम्बैलेंस हो गया, इसके ऊपर आपने काम नहीं किया, तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, हमारी लाइफ आगे चल के बहुत अच्छी हो जाएगी।
इस चक्र के जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। उनकी जो पत्नी है सरस्वती जी, वो बुद्धि की प्रतीक हैं, और इसका जो रंग है नारंगी कलर का, वो सूर्योदय का रंग है, यानी कि उदीयमान चेतना का प्रतीक माना जाता है, शुद्धता का रंग माना जाता है, सकारात्मक गुणों का ये रंग माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं दोस्तों। तो जहाँ जिस पॉइंट पे आप स्व को, अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं, उसको ही स्वाधिष्ठान कहा जाता है, और इसी चक्र को अवचेतन मन का स्थान भी कहते हैं। आपके सभी पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ भी परछाई रूप में यहाँ पे संग्रहित होती हैं। और ये जो छह पंखुड़ियों वाला कमल है, ये जो छह योग नाड़ियों का मिलन स्थान भी है, इसीलिए इसका प्रतीक जो है ये छह पंखुड़ियों वाला कमल ही है। तो इसको आप जगाएं, इसको आप एक्टिव करें, इसको आप हील के लिए आप प्रयास करें, और प्रयास करने के लिए यही है, सबसे पहले तो आपको मूलाधार चक्र पे काम करना है, उसके बाद आपको स्वाधिष्ठान पे आना है। आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए, पद्मासन लगा के बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए, उसके बाद जो इसका मैंने मंत्र आपको बताया था वम, आप उसका उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने के साथ ही अगर आप उक्त बताए गए स्थान पे नारंगी कलर की आभा की कल्पना करेंगे, और एक ही समय पे पीले रंग के आसन पर बैठ कर के ये अपनी साधना के कार्य को करेंगे, तो बहुत ही आपको इसका लाभ मिलेगा। और जो जो अंग, जो जो आपके बॉडी पार्ट्स मैंने रिलेटेड बताए थे, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, महिलाओं को मासिक धर्म की कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी सारी आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। दोस्तों आज बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे दूसरे चक्र के बारे में जानेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।